Thank okay. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له अशदुल्ल शरीक अशदुअ महमदन अब्दू रसूल सल्ला वसलम तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं हम पन्ह मांगते हैं अल्लाह से की उसकी बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का अगदार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि महमद सल्ह वसम अल्लाह ताली के बन्दे और रसूल है अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर उनके पर उनके साहबा पर असल वरहि वबरकू जो हक मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ ताला की तरफ से और अगर मुझसे कोई गलतिया गुत को हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से और अबना हमारे रब दाखिल कर इनको जन्ना बा में हमेशी के अल्ला वो जो अच्छा हम वादा किया तुम तो ने उनसे वामह और जो नेक हुए अब यहाँ पर यह भी वेरी इम्पोर्टेंट है तो जो नेक हुए मिन आबाही उनके आबा उजदाद में से तो अब अगर कोई नेक है तो ऑटोमेटिकली उनके आबा अजदाद जो है माफ़ी नहीं पाते ऑटोमेटिकली जो है बाप दादा अगर किसी की औलाद अच्छी है तो जन्नत में नहीं जाते जो जो है नेक हुए उनके आबा उजदाद में व अजवा जम और उनके बीवियों में से वजयासीम और उनकी उनकी औलाद में से का बेशक तो अंत तू ही अल अज़ीज़ुल हकीम है गिकमत वाला है तो यहाँ पर जो है फ़रिश्ते सिर्फ जो ईमान आते हैं तोबा करते हैं इस्लाह करते हैं उनके लिए दुआ नहीं लेकिन उनके माँ बाप उनके उनकी बीवियां उनकी औलाद उसके लिए भी दुआ करते हैं सो ब्यूटफुल सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल लेकिन शर्त क्या है अगर हम में से हमारे कोई जो है रिश्तेदार नेक है लेकिन अगर हम सलह में नहीं है जो नेक हुए तो फिर नहीं होगा सिमिलरली अगर हम नेक हुए और, हम नेक हुए और हमारे रिश्तेदारों में से कोई नहीं होगा तो नहीं होगा तो इसके लिए यहाँ पर जो है एक वो भी रख दिया है कि किसके लिए ये होगा तो अल्लाह सुबहाना तै उनके उनको भी बचा ले इन अजीज़ुल हकीम बेशक तो ज़बरदस्त है हकमत वाला है वक्म सयात और बचा उनको बुराइयों से यहाँ पे बुरा का मतलब जो है सजाएँ हैं तो जब तक जो है एक तो यह है कि ज़िंदा है तब तक भी जो है उनके बुराइयों के अंजाम से बचाइए उनके बुरी मौत से बचाइए उनको गुनाहों से बचाइए उनको सज़ाओं से बचाइए वामन और जिसको तक़ी तक यद तूने बचा दिया सज़ाओं से या गुनाहों से या गुनाहों की सज़ा से योम दिन उस दिन फ़कद रहम तहक़ीक़ रहम किया तूने उस पर अब यहाँ पर देखिए फिर अल्लाह सुबहान त रहमत से हम बच सकते हैं अपने अमल से नहीं बच सकते हम तो अमल कितना भी कुछ भी कर ले वी कैन नॉट बी परफेक्ट कहीं ना कहीं हम स्लिप पफ होंगे तो यहाँ पर देखिए अल्लाह जिसको जो है क्या कर दे गुनाहों की सज़ा से बचा ले उसके ऊपर अल्लाह ताला का रहम हो गया का, और यही और फौजुल अज़ीम कामयाबी है बड़ी यानी कोई नोबल प्राइज़ कोई अस मतलब बड़ा एवॉर्ड ये कामयाबी नहीं है लेकिन असल अचीवमेंट जहन्नुम की सज़ा से बचना है फिर इन लदी कफ़र बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया युना दौना वो बुलाए जाते हैं लमकतू अलबत ग़ा अल्लाह ताली का अकबर ज़्यादा बड़ा है मकती कम तुम्हारे गुस्से से अंकुसकुम अपने नफ्सों पर तो इस वक्त तुम्हें अपने आप पर जितना गु़स्सा आ रहा है जितनी नफ़रत खुद से हो रही है अल्लाह को इससे ज़्यादा ग़स्सा आता था जब ये कौन सा सनारियो है ये क़यामत के दिन का सनारी है ठीक है इन लदीना कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया युना दौना वो बुलाए जाते हैं लमकतो अलबा गुस्सा अल्लाह अल्लाह का अकबर मकती कुम ज़्यादा बड़ा है तुम्हारे गुस्सों से अपने नक्सों पर यानि जब तुमको अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था और तुम क्या करते थे इतराते थे और आज तुम यहाँ पर जहन्नुम की तरफ बुलाए जा रहे हैं, तो अपने आप के ऊपर तुमको जितना गु़स्सा आ रहा है जितना नफरत आ रही है अल्लाह ताला को उससे भी ज़्यादा गुस्सा आता था, था जब तुम अल्लाह ताला के साथ शिरक करते थे दुनिया में इतुदाऊना जब तुम बुलाए जाते थे इलाई ईमान तरफ ईमान के फतक फ़ुरून तो तुम कुफ्र करते थे यहाँ पे अल्लाह की बात ना मानते थे इनकार करते थे शिरक करते थे तो अल्लाह ताला को कितना गुस्सा आता है इट्स लाइक like, अब दुनिया में कभी हम फेल हो जाते हैं या कभी अचीव नहीं करते कभी हार जाते हैं कभी लूज़ करते हैं तो गुस्सा आता है ना खुद के ऊपर अरे खुद नहीं करी ऐसा नहीं करी वैसा नहीं करी तो वहाँ पर जब जहन्नम देखेंगे तो और ख़ुद के ऊपर गुस्सा आएगा तो अल्लाह सुबहाना तैयार जब अल्लाह तै को कितना गुस्सा आता था सोचो जब तुम शर्क करते थे क़आल व कहेंगे और ए हमारे रब अमत तनातुर तूने मौत दी हमको इस नतन दो बार अह यही तूने जिंदा ज़िंदगी बख्शी हमको इतना निन दो बार फा तरफ ना तो अतराफ़ कर लिया हमने यानि पहचान लिया हमने भी जुनू बिना अपने गुनाहों को फहल इला खुरुजम सबील तो क्या निकलने की तरफ कोई रास्ता है यानि जहन्नुम से सज़ा से मुसीबत से क्या निकलने का जो है कोई रास्ता है अब यहाँ पर मौत दी जिंदा दी ये क्या है कई वो आता है ना आय सुरबरा में कई फ़तः फ़ुरूनबिल्कुम तुम्बा तुम्ई लही तुर जाऊन तो यहाँ पर तूने जो है हमें ज़िंदगी में चांस दिया था फिर उसके बाद फायदा नहीं हम उठाए फिर दोबारा अब यहाँ पर उठाया यानी फर्स्ट टाइम पैदा किए फिर दोबारा ख़ैमत में जो है पैदा उठाकर खड़ा किए ये मतलब ये है कि लेकिन हम क्या किए हम जो है वो जो दुनिया की जिंदगी मिली थी उसके अंदर हम फायदा नहीं उठाए तो क्या कोई रास्ता है जो हम जहन्नुम से सजा से मुसीबत से निकल सकते हैं रालकुम ये बात यानी ये सजा है यह बात भी अन्ना इसके बेशक वो ईजा जब पुकारा गया अल्लाह को वह दू अकेले उसी को कफर तुम कुफ्र किया तुम मैंने तब इनकार किया तब शिर किया, किया तब जो है क्या किया अल्लाह ताला का अकेले एक इलाह होने का इनकार किया व युश रख भी ही और अगर शिरक किया गया साथ उसके तो तुम मीनू तो मान गए तुम यानी जब शिरक किया गया तो तुम उसके ऊपर मान गए फल हकमिल्ल बस फैसला अल्लाह के लिए है अब कोई इंटरफियर नहीं कर सकता अल्लाह का फैसला है अलअली कबीर जो बुलंद है बहुत बड़ा है हु, हुआ वो अल्लि वो जात है कौन अल्लाह सुबहाना ताली वो दिखाता है तुमको आयात ही अपनी ना आयात अल्लाह सुबहाना ताल आए थे भी दिखाए अल्ला कौनी आए भी दिखाए वही यूनजिलो और वो उतारता है तुम्हारे लिए मिनसमायी आसमान से रिस् आसमान से बारिश होती है बारिश की वजह से जो है क्या होते हैं पौधे है वगैरह उगते हैं अगर बारिश नहीं होगी तो रिस्क नहीं होगी खाने के लिए नहीं होगा जानवर मर जाएंगे व माए तजक करूँ और नहीं नसीहत हासिल करते इल्ला मन युनीब मगर जो रुजू करता है यानि अल्लाह के ईमान और अल्लाह की हिदायत की तरफ भी बाल बार बार पलटना है इसलिए तो पाँच वक्त की नमाज़ है कि अल्लाह की तरफ पलटो 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 नमाज में पढ़ो पलटो इबादतों में पलटो गौर फिक्र में पलटो फ़द्ला बस पुकारो

नो no, दीन का जो है पूरा जो प्रस्क्रिप्शन है वो अल्लाह सुबहान दे दिया बस उसी को फॉलो करना है वलौ करी हल फिर उन और अगरचे नापसंद करे काफिर काफिर नापसंद भी करे तो दीन एक ही है वो और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुबहान तरफ से है रफ़ी दर वजात बुलंद दर्जों वाला है जुल् अरश अरश वाला है कौन अल्लाह सुबहान तुलंद दर्ज दर्जे दर्जों वाला है और रफ़िया में आ, जो है अल्लाह सुबहाना तै ख़ुद भी बुलंद दर्जे वाले हैं और ईमान वाले जो है उनको भी बुलंद दर्जे देते हैं फिर जरश अर्श अर्श वाला है अब अर्श पे अल्लाह सुबहाना तै है अल्लाह अला सूबहान हर जगह प्रेजेंट नहीं है हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह सुबहाना ताली तो अर्श के ऊपर है वहाँ से सब चीज़ जो तो है अल्लाह सुबहाना तै कंट्रोल कर रहे हैं युल्क रूह डालता है वही को मिन अमरी उसके हुक्म से अला अलामंगशा जिस पर वो चाहता है अब अल्लाह तला की चॉइस है किस को नबूत दे किस को रसूल बनाए लेकिन वो किस में से बनाता है मिनबा बाद अपने बंदों में से लियंग जीरा अब रसूल आने का जो है वो क्या है पर्पस क्या है ताकि वो खबरदार करे यौम तलाक मुलाकात के दिन को तलाक जो है मुलाकात से है तो यहाँ पे किस चीज़ की मुलाकात है आ, वो तलाक ता से नहीं तो से होता है ये तलाक ता से है ठीक है तो मुलाकात यहाँ पे रूह और जिस्म से मुलाकात होती है इसलिए जो है ये क़्यामत का दिन ये मुलाकात का दिन है और सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं बिछड़े हुए लोग एक दूसरे से मिलते हैं ईमान के एतबार से चाहे जिस ज़माने में भी हो पूरे एक साथ होंगे ग्रोह ग्रोह में होंगे और आ, आ, कातिल अपने जो है मखतूल से मिलेगा और दुनिया में एक दूसरे के ऊपर जो किए थे वहाँ पर मिलेंगे उम्मतें अपने नबियों और रसूलों से मिलेंगे फरिश्तों से मुलाकात होगी और सबसे खूबसूरत बात अल्लाह सुबहाना ताल से मुलाकात होगी अल्लाह ताली हमें वो नसीब फरमाए तो इसलिए जो है इसको मुलाकात का दिन कहा गया है योम हम बारिज़ून जिस दिन वो वो ज़ाहिर होंगे यानि निकल कर सब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे सब एक्सपोज हो जाएंगे एवरीबडी विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ला यफ़ा ना छुपी होगी और मिन हम उनमें से शई उनको ई चीज़ यानि कुछ भी अल्लाह सुबहान तारा से छुपी हुई नहीं होगी लिमनकुल योम किसके लिए है बादशाह आज किसके लिए है ला अल्लाह के लिए है, है? अलवािदुल क़ार जो एक है ज़बरदस्त है हर चीज़ पर हर वक्त हर तरह की ताकत रखने वाला किसी के पास इस तरह का पावर अकतदार है ननली अल्ला तला अलियो मतुजा आज के दिन बदला दिया जाएगा कुल्लु नफ़्सन हर नफ्स को बीमा जो कसबत उसने कमाई की जो करके गए वहाँ पर लेना है ला ओम नहीं कोई आज किसी के हक़ में कमी नहीं होगी किसी के ऊपर ज्यादती नहीं होगी किसी का हक़ नहीं मारा जाएगा इन अल्लाह सर हिसाब बेश्ल तल्द लेने वाला है हिसाब का जब हम कैलकुलेटर्स एंड डिवाइस एंड ये सारी चीज़ें करके छट छट आजकल तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है फट एक जो काम हम एक बुक लिखने ये दो दो तीन तीन चार चार साल लिखते लगाते थे एआई से तो जो है पाँच मिनट दस मिनट का काम है तो क्या अल्लाह सुबहाना तला जल्दी जल्दी हिसाब नहीं कर सकते जब इंसान इतना जल्दी जल्दी सब काम कर सकता है तो क्या अल्लाह सुबहाना तै नहीं कर सकते व अंगज़िर और खबरदार करो उनको यौमल आजिफती उस दिन से जो करीब आ लगा है यानी क़यामत का दिन बहुत करीब आ चुका है इदिल क़लूब जब दिल लदल हैना जिरी हलक के करीब होंगे यानी कैसा होता है देखिए व्हेन वी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब वी फील लाइक थ्रोइंग एवरीथिंग आउट वॉमिटिंग जैसा जैसा नहीं होता है जैसा बहुत ज़्यादा गम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कैसे फ़ील करते हैं तो यहाँ पर हलक के करीब होंगे यानी यू विल द फीलिंग वैसी होगी काजिमीन गम से भरे हुए होंगे माल ाल ना नहीं ालिमों के लिए मिन हमी मिन को कोई जिगरी दोस्त को ई जिगरी दोस्त जो है नहीं बचा सकता लोगों को किस पर जुल्म करने वाले अल्लाह पर और इंसानों दोनों पर वाला शफी शफ़ीन और ना कोई सिफारिशी होगा यूता जिसकी बात मानी जाए तो ालिमों की शिफात नहीं होगी यहाँ पर आप देखिए दुनिया में ये ये बचा लेगा वो बचा लेगा उसके पास भागते हैं उसके पास नो बडी कोई नहीं बचा सकता या व जानता है आयुन खयानत निगाहों की यानी चोर निगाहों को से जो देखता है यानी जैसा एग्ज़ाम एक अगर लिख रहे हैं तो पेपर में चीटिंग कैसे करते हैं या आ, Uh, अगर uh, देखिए आप uh, कोई ऑपोजिट सेक्स वाले को देख रहे हैं एंड uh, मतलब उसको नहीं देखना है सो so चीज़ जैसे देखते हैं या हराम नज़र किसी के ऊपर डालना है तिरछी आँखों से देखना है तो uh, या या किसी के कोई चीज़ में झांकना है इट्स रॉन्ग तो वो नज़र जो है किसकी होगी ालिमों की होगी तो वो जानता है क्यानत निगाहों को यानी जिस तरह इस तरह की निगाहें जिसकी होगी तो यानि जहाँ पर निगाह डालने से मना किया गया है या नहीं डालना चाहिए था वहाँ निगाह डालने की इंसान जो कोशिश करता है वो तो अल्लाह सुबहाना तैाली वो जानते हैं वमा तुख्फी और जो छुपाते हैं उसदुर सीने में यानी जिसके दिल में ये हाल है किसके निगाह जो है चोर है ये सब अल्लाह सुबहाना ताली जानते हैं वल्लु यकदिल बिल और अल्लाह फैसला करता है हक़ के साथ ज़ाहिर ही देख कर नहीं जिस जो केस विन करने में बेहतर है वो नहीं नहीं बस अल्लाह सुबहान हक के साथ फ़ैसला करता है वल्लिन यदौना और वो लोग जो पुकारते हैं मिंगदूनी ही उसके सिवा लाखूना नहीं वो फैसला करते बिशे इन किसी चीज़ का इन्हें किसी को इख्तियार नहीं है इन समीबीर बेशक अल्लाह सुबहान ती सुनने वाला है देखने वाला है अवालम क्या भला ये वो चले फिरे अब चलने फिरने की भी ज़रूरत नहीं है अब तो घर बैठे आप गूगल मैप्स पे जहाँ चाहे देख सकते हैं जा सकते हैं फिल अर्दी ज़मीन में फयंग जरूर तो वो देखते कई फकाना आकीबल्लीना किस तरह हुआ अंजाम उन लोगों का कानू जो थे मन कबल उनसे पहले उन पर क्या गुजरी ये सब हम देख चुके में जितनी क़में आए वो भी देख चुके हिस्ट्री में कितनी क़मे हम पढ़ चुके कैसे कैसे जो है एम्पायर्स आए गए डुबे क्या क्या गुनाह किए वी नो एवरी थिंग सोचिए बैठकर जब हिस्ट्री पढ़े तो क्यों उनका जो है खात्मा हुआ क्यों वो खत्म हुए कानू हम अशद थे वो वही ज़्यादा शदीद मिन हम इनमें से ख़ुतन ख़ुत में कितने पावरफुल थे कैसे कैसे उनके एम्पायर्स थे व आसारन और आसार में उनकी निशानियाँ कैसी थी उनके कंस्ट्रक्शन कैसी थी फिल अर्दी ज़मीन में अगर आप इजप्शियन पिरामिड्स देखें आप इंडिया के तमाम फोर्ट्स देखें उनके स्टैचूज़ देखें, देखें उनके पेंटिंग्स देखें उनके कार्विंग्स देखें आज जो म्यूज़ियम्स की शान है जिनकी सिविलाइजेशन और कल्चर की हम तारीफ़ करते हैं उनका क्या हाल हुआ कहाँ चले गए वो अल्लाह सुबहान तला ने कैसे उनको पकड़ा देखो फ़ज हमल्लाजुनू बिहम बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से व मकान अलहिनल्लाम वाक़ और ना थे उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाले बचा सके कोई नहीं बचा सके जब सुनामी आया बचा सके जब अर्थ को एक बचा सकता है जब हार्ट फेल होता है बचा सकते हैं कोई जब ब्रेन हैमरेज होता है कोई बचा सकता है अल्लाह ताला से जालिका ये क्यों हुआ ये भी अन्ना बवा जे इसके के बेशक वो कानत थे तीह आते उनके पास रसुलूम उनके रसूल बिलबीनाती साथ रोशन निशानियों के यानि मोज़ात के साथ भी आए अल्लाह की आयात के साथ भी आए तो उन्होंने क्या, -क्या? तो किया फ़र्क फ़र्नों ने फ़्र किया अल्लाह तो पकड़ लिया सुबह तुन को हमारे पास भी आए आप कुरान के साथ इन्ू कवी शदीद बेशक वक़ूत वाला है इन बेशक बेशक वो कवियम शदीदल सख्त सज़ा देने वाला है कोई भी कितनी क़वत हासिल कर लो अल्लाह के अजाब से बचकर कोई नहीं जा सकता है तो अल्लाह की रज़ामंदी के साथ ही कामयाबी है वालकद और अलबत् तहीक़ भेजा हमने मूसा मूसा सलाम को भी आयाती न हमारी आयात के साथ मौजूदा दाए नौ बताए हमको व सुल्तान और सुल्तान मुबीन और रोशन दलील के साथ ये भी हमको पता है ठीक है इला फ्रऊना किसकी तरफ फिराउन की तरफ व हामाना और हमान की तरफ फिरौन का वज़ीर था वारूना और कारून की तरफ कारून जो है बनी इसराइल में से था बहुत रिच बहुत मालदार होने की वजह से जो है बनी इसराइल को छोड़कर फिर फिरौनियों की मदद करने लगा उनके पास जा मिल गया फ़कअाल साहिर उनक तो उन्होंने कहा जादूगर है बहुत झूठा किसको फिरौन ने हमान ने और कारून ने सलाम को कहा और जब असा और यदैज़ा बताए दिखाए उनको तो नहीं माने और कहा कि ये जादूगर है यहाँ पर आप को तसल्ली दी जा रही है मूसा भी कहा गया था डोंट वरी फलम माँ जा हम तो जब वो लाया उनके पास कौन मूसा सलाम बिल्किल हक़ को उन्हें सच को लेकर आए मना हमारे पास से कॉलू उन्होंने कहा उख़ुल कत्ल करो अब नादी उन लोगों के बेटों को आमनु जो ईमान लेकर आए माँ हूँ उसके साथ वस्तहयू और ज़िंदा छोड़ दो निस्सा हम उनकी लड़कियों को बेटों को ख़त्म कर दो ताकि कौम ख़त्म हो जाए और फिर और लड़कियों को जलील करने के लिए रखते थे व माँ कई दुलकाफ़ी ना और नहीं चाल काफिरों की अल्लाफी दलाल मगर गुमराही की ये चाल नाकामयाब हुई हुई और वो जो है उनका एंड कैसा हुआ हमको पता है वकाल फिर और कहा फिर आउन ने ज़रूनी छोड़ो मुझको यानि कुछ ना समझाओ मुझे छोड़ दो अकतुल मैं कत्ल करूँ मूसा मूसा सलाम को वल याद ओ और चाहिए कि वो पुकारे रब हो अपने रब को यानी कैसा फिरौन देखिए कह रहा है कि बिगिनिंग से ही वो मुसाल इस्लाम को मारना चाहता था लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो है मुसाला इस्लाम बच गए कहीं जो है वो हो गई अब कहने लगा छोड़ो मैं मारूँ मूसा को और उसके बाद जो है ना कहने लगा पुकारे वो अपने रब को यानी देखता हूँ कैसे नौस बिल्ला कह रहा है फ़िरौन की देखता हूँ अपने रब को पुकारे कैसा बचाता है रब इन्नी अखाफू बेशक मैं मैं डरता हूँ के वो बदल देगा दी नकम तुम्हारे दीन अब इल्ज़ाम लगा रहा है क्या कि ये जो है फिर का दीन बदलने के ऊपर आए हैं यानी यहाँ पे पूरे कौम मिस्र का जीने का जो तरीक़ा था लिविंग लाइफ स्टाइल था दीन यानि यहाँ पर ये है और वैसे तो पे थे ही थे और एंग्यूस हिराया कि वो बरपा कर देगा फिल और दिल फसाद ज़मीन में फसाद को अब यहाँ पे देखिए दीन फैल गया तो अल्लाह का तोहिद फैलेगा तो फसाद होगा लेकिन वो कह रहा है कि अगर तोहिद हो जाएगा तो फसाद होगा बिल्ला हालांकि दीन इस्लाह करने के लिए आया था वो क्या कर रहा था फिरौन कत्ल कर रहा था मार रहा था जुल्म कर रहा था क्या क्या नहीं कर रहा था लेकिन उल्टा वो मूसा सलाम के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि अगर मूसा सलाम अपना दीन स्टैब्लिश कर देंगे तो फिर फसाद हो जाएगा फिलह और कहा तो अब घबराए नहीं और जवाब दिया मूसा मुसा, मुसा सलाम ने इन्नी बेश तुम्हें रब भी पनाह चाहता हूँ अपने रब की वो रबी कम और तुम्हारे रब की ना मानो या मानो रब तो अल्लाह तुम्हारा और मेरा लाही है मिन कुल्ली मतकब्र हर तकबर करने वाले से क्योंकि फिर हामान कारून सब थे ला मिनू जो नहीं ईमान रखता है बेयम हिसाब हिसाब के दिन अब यहाँ पर काफिर कौन है जो क़ैमत के ऊपर जो है इस आ, यकीन नहीं रखता अब कह रहे हैं कि ठीक है तुम पतल करना चाहते हो कर लो मैं नहीं डरता क्योंकि मैं तो अल्लाह ताली की पनाह में हूँ और वह अल्लाह ताली तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है अब उसी के दरबार में से एक जो है मोमिन आदमी ने कहा वौल रजुल और कहा एक मोमिन शख्स ने मिन आलि फिर अब ये बनी इसराइल में से नहीं था आले फ़िर में से था यक जो छुपाए हुए था ईमान हो अपना ईमान क्योंकि फिर का डर था और हिस्ट्री में ये मिलता है कि वो उसके चचा का बेटा था और क्योंकि फिर की अपनी औलाद नहीं थी तो वो उसका वली अहद भी था अब अल्लाह वालम क्या था कौन था ये जो है हिस्ट्री की बुक्स में मिलती हैं कुरान और हादिस की बुक्स में हमको नहीं मिलती है। और ये भी आता है कि आले फिरौन में से सिर्फ तीन लोग ईमान लेकर आए एक फ़िरौन की बीवी आसिया और एक जो है उनका ये चचा का बेटा और एक तीसरा जो है जो हम पहले पढ़ चुके थे कि ये कहने आया था कि तुझे कत्ल करने के लिए यानी मूसा इस्लाम को कत्ल करने के लिए आए थे तो तीन लोग जो है थे तो वो बचाया अतख तलून रजुला क्या तुम कत्ल कर दोगे एक शख्स को यानी मूसा को यकूल रब बी अल्लाह के वो कहता है मेरा रब अल्लाह है यानी उसका क्या जुर्म है सिर्फ़ ये कि वो अल्लाह सुबहाना ताली को अपना रब मानता है मक़्जाकुम के तहकीक वो लाया तुम्हारे पास बिलबयाती रोशन दलाइल में रब तुम्हारे रब की तरफ से यानी सलाम तो वाज रोशन निशानियाँ और दलायल लेकर आए हैं तो फिर बस उसका क्या कसूर है व इन यको और अगर है वो काजीबन झूठा फ़ा अल ही तो उस पर है कसी बहु झूठ उसका व इन यकूँ और अगर है वो सादिकन सच्चा युसिब कुम पहुँचेगा तुमको बादल बाज़ वो चीज़ या ईद वो वादा करता है तुमसे यानी अजाब इसको अब वो मोमिन शख्स कहने लगा मु, मुसलम को छोड़ दो झूठा है तो ख़ुद अपना बुरा देखेगा अगर सच्चा है तो फिर हमारे ऊपर अज़ाब आएगा इन बेश अल्लाह ताल ला यहदी नहीं हिदायत देता मन हुआ मुशरफ जो कोई है वो हद से गुजरने वाला कज़ाब झूठा तो यहाँ पर हद से गुजरने वाला झूठे को हिदायत नहीं मिलती तो यहाँ पर झूठ को जो है हाईलाइट करते हुए कई बार पढ़ना चाहिए और देखना हम कितने बार झूठ बोलते हैं झूठ जो है मुनाफ़त की सिफत है झूठ कितनी बुरी चीज़ है और क्या चीज़ है इससे कितना बचना है क्योंकि अल्लाह सुबहान ला यहदी मन हुआ मुशरफ़ुँ कसदाब जो हद से गुजरने वाला है हद से गुजरना भी देखना है हद से गुज़रना दोनों तरफ नहीं होना है यानी कुछ लोग जो है जो दीन में नहीं है उसको अपने ऊपर लाजिम करके हद से गुज़रते हैं कुछ लोग जो दीन में जो है एडिशन्स एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में भी हद नहीं करना है दीन हमेशा मॉडरेट रहा है अल्लाह सुबहाना तला अल्ला जो हमको हुक्म दिए बस उस पर चलना है किसी और की नहीं मानना है अगर अल्लाह के सिवाय किसी और की बात को हम दीन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए करते हैं तो फिर वो भी क्या होगा शिरक हो जाएगा और कस्ाब आ गया झूठा तो ना अल्लाह के ऊपर झूठ वो करना है ना बंदों के ऊपर किसी तरीक़े का भी झूठ जो है हमारे लिए अलाउड नहीं है और जो कंटिन्यूसली uh, झूठ बोलता है तो उस, वो हिदायत पर भी नहीं है इसलिए कंटिन्यूसली सच बोलना है या कौमी एमरी कौम यानि आलिफिर लकम्लमुलकुल योमा तुम्हारे लिए है बादशाहत आज के दिन ज़ाहरीना गालिब आने वाले हो फिल अर्दी जमीन में यानि तुम यहाँ पर लग रहे हो कि तुम पावरफुल हो पमेंग यंग सुरुना कौन मदद करेगा हमारी यानी हम हमें कौन बचाएगा मिल्ला अल्लाह के अजाब से इनजाना अगर वो आ गया हमारे पास यानी कल अल्लाह ताला की अगर पकड़ आ जाए अज़ाब आ जाएगा तो कौन बचाएगा फिर फ़िरउनू फ़िर ने कहा माँ उरीकुम नहीं मैं दिखाता तुमको इल्ला मगर माँ अरा जो मैं देखता हूँ वमा अहदी और नहीं मैं दिखाता तुमको सबील सबी रशदी मगर रास्ता भलाई का तो यहाँ पर जो है फिरौन कह रहा है यानी अपनी ग़लती को वो इसलाह का जो है वो बता रहा है यानी कह रहा है कि इसलाह का नाम दे रहा है भलाई का नाम दे रहा है वो कह रहा है कि मैं तुमको वो दिखाता हूँ जो मैं देख रहा हूँ यानी जो मुझे सही लगता है जो भलाई का रास्ता है वो मैं तुम्हें तो दिखा रहा हूँ यानी उसको बुराई में भी भलाई नज़र आती थी और कल और कहा उस शख़्स ने यानी मोमिन ने आमना जो ईमान लाया था या कौमी ए मेरी कौम इन्नी अकाफ़ो बेशक मैं डरता हूँ तुम पर मिसला मानंद अहज़ाब दिन ग्रोहों के यानि जिन पर अज़ाब आ गया था जो पिछली कौमें थी तो मैं डरता हूँ कि कहीं हम पर भी ऐसा ना आए मिसल दबी मानंद हालत कौम नुहन नुह कौम की यानि अब यहाँ पर कैसे कौम नूह का की हालत हुई थी दी यानि जो उनकी हालत हुई थी जो उनके अमल की उन्हें सज़ा मिली थी वो मैं जो है उस चीज़ तो मतलब उस वाजे थी ना सबको पता थी ना तो मानंद हालत कौम नूर की व आदियों व समूद और आद और समूद की वलिनम बदम और उन लोगों की जो उनके बात थे यानी लूतम की कौम वगैरह अमल और नहीं है अल्लाह ताली युमा इरादा रखता का यानी सुबह तुल का इरादा नहीं रखता है अगर पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो बग़ैर किसी के ऊपर भी अज़ाब नहीं आया लिल्बाद बंदों के लिए वो और मेरी और ए मेरी कौम इन्नी अकाफ़ु बेशक मैं डरता हूँ आलैक तुम पर योम तनाद पुकार के दिन से यानी ये भी जो है का दिन है और ये तनाज जो है निदा से है या उस दिन क्या होगा क्यामत के दिन एक दूसरे को पुकारेंगे अल्लाह ताला हर एक ग्रोह को अपने इमाम के साथ पुकारेंगे फिर जैसे सूरत आराफ में हम देखे थे आयतम फोर्टी एट टू फिफ्टी में जन्नत वाले आराफ़ वालों को और आराफ़ वाले यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा ना आराफ वाले आग वाले सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और फिर एक दूसरे को मदद के लिए पुकारेंगे इसलिए इसको पुकारने का दिन कहा गया है यौमत वल्लूना जिस दिन तुम फेरे जाओगे मुदबीरीन पीट फेरते हुए यानी मुँह मोड़ कर पीठ फेर कर भागने की कोशिश करोगे माँ लकुमिन वाहि नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह से मिन आसिम कोई बचाने वाला हो मैंिल्ली इल्ला हो और जिसको भटका दे अल्लाह ताला फमाल हो तो नहीं उसके लिए मिन हाथ कोई हादी वलकद और अलबत्ता तहकीक जा अकुम आए तुम्हारे पास यूसुफ़ आ यूसुफ़ यानी अब यूसुफ सामिफ़िर के बाद आ, के आबाव अजदाद में यूसुफल मूसा सलाम से फ़ोर हंड्रेड ईयर्स पहले आए थे मिन कबलू इससे पहले बिस बिल बनाती रोशन दलायल के साथ फ़माजिल तुम तो मुसलसिल रहे तुम फी शक किन शक में यानी उनकी तालीमत पे भी शक करते एक्सेप्ट नहीं किए मिम्मा उस चीज़ के बारे में जाम भी वो लाया तुम्हारे पास उसको हता यहाँ तक कि इदा हलका जब वो फ़ोत हो गए कुल तुम कहा तुमने लिंग यब असल्ला हरगिज़ नहीं भेजेगा अल्लाह ताला मिम बहादी ही इसके बाद रसूला कोई रसूलेन फोत होने के बाद यानी तारीफ़ करने लगे यूसुफ सलाम की ये तो इतने अच्छे रसूल थे इतना अच्छा था उनके बाद तो कोई ऐसा रसूल नहीं आएगा तो उस तरह करने लगे कज़ाली का युद्लयदिल्लाू इसी तरह भटकाता है अल्लाह ताला मन हुआ जो कोई के हो वो मुशरफ से बढ़ने वाला मुर्ताब शक में पढ़ने वाला यानी अब यहाँ पर अल्लाह सुबहान तै कह रहे हैं कि जब आया हक़ हाँ इनकार कर दिए चले गए तो तारीफ़ करने लगे सलाम के साथ भी वही किया सामने आसा थी यदा थी फिर भी शक करने लगे यानि क्या है ये मतलब तुम बनी इसराइल हो अपने नबियों के साथ क्या करते रहे हो और ये मशरफ़ और मुर्ताप इनको बिल्कुल हिदायत नहीं मिलेगी कौन है ये मुशरफ़ और मुता मुर्ताब शक में पढ़ने वाले हद से बढ़ने वाले अल्लादीन युजादिलफ़ी आयात इल्लाही। वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयात में बग़ैर सुल्तान बग़ैर किसी दलील के यानी बग़ैर दलील के बग़ैर बात के बग़ैर प्रूफ के अल्लाह की आयात के बारे में क्या करते हैं झगड़ा करते हैं बहस करते हैं और युजादिल क्या चीज़ है हम पहले ले चुके ठीक है ब़ैरी सुल्तान अचाह बगैर किसी दलील के आई हो उनके पास का बुरा मक्ता बड़ा है नाराज़गी में इसमें मकता में जो है सख्त बोग के मायने भी आते हैं इनद अल्लाह अल्लाह के नज़दीक व इनदीन आमनों और ईमान वालों के नज़दीक यानी बगैर दलील के अल्लाह की आयत पर झगड़ा करते हैं ईवन टुडे अगर हम मुसलमानों में देखें बहुत तकलीफ़ होती है दलील नहीं होता प्रूफ नहीं होता बस झगड़ा करते हैं अपना टाइप अपना पॉइंट जो है सही प्रूफ करने की चक्कर में रहते हैं क़ाई का, का यबा अल्लाह इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह तलाकलबिन ऊपर हर दिल के मतकब्र तकबर करने वाले जब्बार जब्बार के जो हक़ हाँ, जो है नहीं मानता है वक़ाल फिर और कहा फिर या हा ए हा इबनी ली बना मेरे लिए सरहन एक महल यानी एक टावर बनाओ ला अली ताकि मैं अबलगु मैं सकूं अल-अजबाब रास्तों में यानी आसमानों में और ये मजाक की तौर पर कह रहा है अल-अजबाब रास्तों को भी कहते हैं और रस्सियों को भी कहते हैं जिसके जो है थ्रू ऊपर चढ़ा जा सकता है दरख्तों पर चढ़ा जा सकता है मजाक के तौर पर क्योंकि बच्चों को भी पता छोटे से बच्चे को भी पता है कि एक टावर से आसमान पर नहीं चढ़ा जा सकता वो मजाक से कह रहा है एक टावर तो बनाओ कुछ तो बनाओ मैं ऊपर चढ़ दे के देखूँ आसमान में लूसा स्लम के रब को असबाबा रास्तों असबाब समावाती आसमान रास्त, के रास्तों तक फिलहिया फिर मैं इतला पाऊँ यानि मैं देखूँ ख़बर लूँ झाँकूँ इला इला ही मूसा तरफ मूसा के के व इन्नी और बेशक मैं जुल्नू हो अलबत्त गुमान करता हूँ उसको काज़ीबा झूठा यानी अब देखिए क्या कह रहा है वो कैसी बातें कर रहा है कि मैं मतलब देख मज़ाक उड़ा रहा है एक अल्लाह सुबहाना तला का और इसका वह अली का ज़ुइना और इसी तरह खूबसूरत बनाया गया फिर औौना फिर अौं के लिए उन्हें हक़ हाँ का मज़ाक उड़ाना सू अमल ही उसका बुरा अमल व सुदा और वो रोक दिया गया अनिस सबील रास्ते से इसके हिदायत के रास्ते से व माँ दो फिर आउना और नहीं चाल फिर ओवन की फ़ी तबा हलाक मगर हलाकत में यानी अब देखिए इतनी सीरियस बात पर उसने मजाक उड़ाया हंसी में डालकर बात को मजाक में टालने की कोशिश की उसने तो फिर अल्लाह सुबहान तला ने उसके साथ क्या, क्या क्या ये हमको पता है वक़ाल आमनों और कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया कौमी ए मेरी कौम इब पैरवी करो मेरी अहदी कम मैं रहनुमाई करूँगा चुम्हारी सबीला रशदी दुरुस्त रास्ते की तरफ और कहा मुझे फ़ॉलो करो मेरा एग्ज़ाम्पल लो जैसे मैं हक़ मान रहा हूँ फिर या कौमी ए मेरी कौम इन नमा बेश हयात दुनिया ये दुनिया की ज़िंदगी है मतन थोड़े से फ़ायदे की चीज़ें वह इन आख़िरतः और बेशक आख़िरत करार वो करार का घर है यानी हमेशा का घर है किसने कहा मोमिन आदमी ने इस दुनिया के खातिर ना डरो वैसे भी ये थोड़े से दिनों का फ़ायदा है जो जाने वाला है असल घर तो आखिरत का घर है म, मन आमिल सही अच्छा जो अमल करे बुरे फ़ला यु जज़ा तो ना बदला दिया जाएगा अल्लास मगर उसी की मानने में जितनी बुराई करोगे उतनी सज़ा मिलेगी वन आमिर व मन आमिल साल और जो अमल करे अच्छी मिंग जक्रीन और उनसा खा कोई मर्द हो या औरत सुबह ना देखे आप मर्द औरत को कोई रिवॉर्ड में कमी ज्यादती नहीं होगी वह हुआ ममिन और वो मुमिन होंगे यानी ममिन होना शरद फ़ुलाई का तो यही लोग यद ख़लून जन्नत दाखिल होंगे जन्नत में युरा फ़ीया रस दिए जाएंगे उसमें बेग़ैर बग़ैर हिसाब के अल्लाह हमको इसमें शामिल करे या कौमी और मेरी कौम माली क्या है मेरे लिए अदाउकुम मैं बुलाता हूँ तुमको इला नज अल नजाती तरफ नजात के वह तद और तुम बुलाते हो मुझको इन नार की तरफ यानी तुम मैंने पूरी कौम फ़िरन एक तरफ ये मोमिन एक तरफ वो जो है तुम बुलाते हो आग की तरफ और मैं तुमको जो है किसकी तरफ बुलाता हूँ नजात की तरफ तद ओ तुम पुकारते हो मुझकोली अक फूरा बिल्ला ही के कुफ़र करूँ अल्लाह के साथ व वश्रिका और मैं शरीक ठहरा हूँ बिही साथ उसके माँ लई सा जो नहीं है ली मेरे लिए बिही उसका इल्म कोई इल्म यानी कोई दलील ही नहीं है बिना दलील के मैं कैसे तुम्हारे उसको फॉलो करूँ शिरक को मतलब मैं बिना प्रूफ के कैसे तुम्हारी बात मानूँ व अन अद उम और मैं बुलाता हूँ तुमको इल इलाज़ीज़ अफ़ार तरफ ज़बरदस्त बख्शिश फरमाने वाले के यानी वो अपनी तरफ नहीं बुला रहा है ये मोमिन आदमी अल्लाह की तरफ ला लाजरमा नहीं शक अनमामा बेशक तद ओ नी तुम पुकारते हो मुझको इले ही जिसकी तरफ़ लई सलहू नहीं है उसके लिए दावत कोई दावा या कोई पुकार यानी जिनको जिनको तुम पुकारते हो तो मतलब उनकी तो कोई से ही नहीं है उनका तो कोई पुकार ही नहीं है फिर दुनिया दुनिया में यानी उनका उनका तो कुछ कहना ही नहीं है उनका कोई सुनता ही नहीं है वलाफिल आखिरत और ना आखिरत में वह अन्ना और बेशक मरद दना पलटना हमारा या लौटना हमारा अल्लाह की तरफ व अनुमसरफ़ी और बेशक हद से बढ़ने वाले हम अब्न्नार वो आग के साथी होंगे अगेन अगेन अगीन नगीन अगेन फ़िर और फ़िरौन आल फ़िरौन का तरीक़ा क्या था मुसरीफीन हद से इसराफ में है देखिए बस अन करीब तुम याद करोगे यानी तुम मेरी बातें याद करोगे ये कैसे ब्यूटिफुली अपने कौम को समझा रहा है माँ माकूलकुम जो मैं तुमको कह रहा हूँ वो फोबीद अमरी और मैं सुपुर्द करता हूँ अपना मामला अल्लाह की तरफ इला बसरुम बिल इबाद बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है बंदों को यानी जो जितना मैं समझाना चाहता था या समझा सकता था आई डिड माई ड्यूटी आई डिड माई बेस्ट अब अल्ला को सब आ, सब कुछ पता है फवा बस बचा लिया उसको अल्लाह अल्लाह ताला ने माँ म करूँ जो 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 उन्होंने चाले चली वहाँ और घेर लिया भी आली फिर आलि फ़िरउन को सूल अजाब बुरे अजाब ने हो सकता है उन लोगों ने उसके कत्ल के प्लान्स बनाए थे लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ये यहाँ नहीं है बस अल्लाह ने उसको बचा लिया किस तरह बचाया अल्लाह अल्लाज अन्नारो यो और आग वो पेश किए जाते हैं अलिहा उस पर गुदुवन सुबह आशियन और शाम व योम तक साह और जब कायम होगी क़्यामत अद दाखिल हो जाओ आल फ़िरओना आल फ़िरौन अशद अज़ाब सख्त अज़ाब में इस आयत को वलामा अकराम ने कब्र की दलील देते हुए कहा है कि बऱख़् में भी अजाब है क्योंकि अभी क़्यामत क्याम, क़ायम नहीं हुई तो इससे पता चलता है कि बरज़् का भी अजाब है और क़्यामत से यानी मौत से क़्यामत तक भी कुछ ना कुछ अजाब की शक्ल होगी और बरज़् का अजाब और क़बर के, के अजाब के बारे में आपने कहा तुम तो में से जब कोई मरता है तो हर सुबह और शाम उसकी जगह उसके सामने पेश की जाती है कि उसको कौन सा मुक़ाम मिलेगा बुखारी और मुस्म मुस्लिम और अहमद की रिवायत है फिर वह हाथ जूना और जब वो झगड़े झगड़ा करेंगे ना आपस में झगड़ेंगे फिर नारी आग में फैल उदुआ वो तो कहेंगे कमज़ोल लवी नस्तकबरु उन लोगों से जिन्होंने तकबर किया स्पेशली लीडर्स जिनको ये फॉलो करते रहे इन्ना बेशक हम कुन्ना थे हम लकम तुम हारे लिए तब अन ताबे यानी वी यूज़ टू फॉलो यू फहल तो क्या अंग तुम तुम मुग नूना बचाने वाले हो अन्ना हमको नसीबन एक हिस्से से मिनन्नार आग के यानी थोड़ा अजाब क्या तुम हमारा कम कर सकते हो क्या कुछ छूट मिल सकती है बिकॉज हम तो तुमको फॉलो करते थे अल الذين अस्तबरू कहा उन लोगों ने जिन्होंने तकबर लीडर्स ने इन्ना बेशक हम क्लून सब के सब फ़ीहा इसमें है यानी हम तो सब आग में हैं तुम भी आग में हो हम भी आग में हैं अल्लाह बेशक अल्लाह ताला कद कम तकी व फैसला कर चुका बीन अल इबाद बंदों के दरमियान अब कहीं नहीं जा सकते अल्लाह का हो गया अब झगड़ों का जो है यानी अब ये झगड़े इस तरह की बहस है इस तरह का झगड़ों का बहुत जगह जिक्र है अब ये कौन लोग हैं जो अपने रसूलों को नहीं माने अल्लाह को नहीं माने कुफ़्र किए और फिर एक गया उसके पीछे पीछे सब चल पड़े वकालीना और कहेंगे वो लोग फिन नारी जो आग में हली खजन ती जहन्नम जहन्नुम के दरबारों से उद उ रब कुम पुकारो अपने रब को युफ आना हल्का कर दे हमसे यौमन एक दिन एक दिन मिनल अज़ाब अजाब में से यानी एक दिन तो छुट्टी दे दे एक दिन तो हल्का कर दे इस अजाब में से वो कहेंगे क़़लू वो कहेंगे अवलंग तकू क्या भलाना थे ती कुम आए तुम्हारे पास तुम्हारे रसुल तुम्हारे रसूल बिल बिलबय्यनाथ सात रोशन दलायल के क़ालु वो कहेंगे बला क्यों नहीं कहेंगे आए तो थे क़ालु तो वो कहेंगे फ़दपस दुआ करो यानी खुद ही पुकार लो खुद ही बुला लो वमा दुआ और नहीं दुआ अलकाफरी ना काफ़िरों की अल्लाफी दलाल मगर गुमराही में यानी गुम हो जाएगी पहुँचेंगी ही नहीं कबूल ही नहीं होगी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी अल्लाह सुबहाना तला हम सब को इस हजाब से इस आग से और इस गुमराही से बचा कर रखें और हमेशा हिदायत पर रखें आमिर الصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين